गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ऑल आर यू फाइन? टुडे विल बी लर्न ईवीएस चैप्टर नंबर 4, एनिमल्स अराउंड अस। उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमने पार्ट 1 में क्या देखा था? एनिमल्स के बारे में देखा था, कैसे कैसे एनिमल्स होते हैं, कौन से एनिमल्स और कहाँ पे वो रहते हैं, क्या खाते हैं, वो उनके बारे में हमने देखा था। ओके स्टूडेंट, तो आज हम उनकी देखेंगे वर्कशीट। ओके, ओपन योर बुक पेज नंबर 25। आपको 25 पेज नंबर ओपन करना है। चलो उनकी वर्क से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट टी अगेंस्ट ट्रू सेंटेंस एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स सेंटेंस। ओके, तो हमें यहाँ क्या करना है कि सेंटेंस दिया गया है, वो सेंटेंस रीड करके वो सेंटेंस राइट है तो हम टी लिखेंगे यानी कि ट्रू, और रॉन्ग है तो एफ लिखेंगे यानी कि फॉल्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें फर्स्ट ऑल इंसेक्ट कैन फ्लाई, सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस कैसा है? रॉन्ग, तो हम वहाँ लिखेंगे एफ। फिर है सेकेंड, द कैमल क्रावल ऑन द ग्राउंड, कैमल जो है वो ग्राउंड में ही क्रावल करता है तो वह सेंटेंस राइट है तो हम लिखेंगे यहाँ पे टी यानी कि ट्रू। थर्ड सेंटेंस, स्नेक्स हैव नो लेग्स, ओके तो ये सेंटेंस भी राइट है, स्नेक्स को लेग नहीं होते हैं। फिर है फोर नंबर, फिश कैन लिव आउटसाइड वाटर, जो फिश होती है वो वाटर के बाहर रह सकती है, इसमें ऐसा कहा गया है तो वो रॉन्ग है, फिश सिर्फ पानी में ही रह सकती है तो हमारा आंसर आएगा ए, फॉल्स। फिर है फाइव नंबर, अ मॉस्किटो है सिक्स लेग, मॉस्किटो जो है उनके कितने लेग्स होते हैं? सिक्स, तो वो राइट है तो हमारा आंसर आएगा ट्रू यानी कि टी। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें दो एग्जाम्पल देने हैं, तो इसमें फर्स्ट है एनिमल्स लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ओके, तो ऐसे हमें एनिमल्स दो बताने हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट है उनमें फर्स्ट में हम लिखेंगे टोर्टोइस, टी ओ आर टी ओ आई एस ई, टोर्टोइस। ओके, और जो सेकेंड है उन फर्स्ट में ही सेकेंड हमें दूसरा नाम लिखना है, क्रोकोडाइल, सी आर ओ सी ओ डी आई एल ई, क्रोकोडाइल। ओके, फिर है सेकेंड नंबर, उनके अंदर भी क्या है? इंसेक्ट, हमें दो ऐसे इंसेक्ट बताने हैं उनके नाम लिखने हैं, तो फर्स्ट में तो मैं लिखूंगी मॉस्किटोज, एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ मॉस्किटो, और सेकेंड नंबर में आएगा कॉकरोच, सी ओ सी के आर ओ ए सी एच कॉकरोच। ओके, आप कोई भी इंसेक्ट के दो नाम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मॉस्किटो और कॉकरोच का स्पेलिंग लिखा है। फिर है लेट्स हैव फन, उसमें फर्स्ट आपको दो पिक्चर दिए गए हैं, कलर द फॉलोइंग पिक्चर, एक पैरोट और बटरफ्लाई का पिक्चर्स है, उनके अंदर आपको अच्छे से कलर फिल करना है। टर्न योर पेज, विजिट द जू विथ योर पेरेंट्स, ट्राई टू नोट हाउ एनिमल्स लिव देयर। ओके, तो आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स के साथ आपको जू पार्क में जाना है, वहाँ पे जू पे कौन होता है? काफ़ी सारे अलग अलग से एनिमल्स होता है और आपको नोटिस करना है कि सारे जो एनिमल्स हैं वो कैसे रहते हैं। ओके, फिर आपको क्या करना है, जू इज शॉर्ट फ्रॉम ऑफ जूलॉजिकल गार्डन विच वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाई अ चाइनीज किंग। ओके, जू का नाम कैसे पड़ा था, जू का पूरा नाम क्या है? तो जू का जो पूरा नाम है वो जूलॉजिकल गार्डन है, क्या है? जूलॉजिकल गार्डन। ओके, और ये फर्स्ट नाम, ये फर्स्ट जो जू है वो किसने बनाया था, तो कि चाइनीज किंग जो है उन्हें बनाया था। वेन यू विजिट द जू, आप जब जू पे जाओगे तो आपको क्या ध्यान रखना है वो आज हम देखेंगे। डू नॉट टीच द एनिमल,
डू नॉट फीड देम, डू नॉट पुट योर हैंड और लेग इन साइड देयर कैच. ओके, तो डू नॉट टच द एनिमल, यानी कि एनिमल को देख के हमें कोई ऐसी एक्शन नहीं करनी है और कुछ उनको चिढ़ाना नहीं है. ओके, काफ़ी सारे ऐसे जो मंकीज होते हैं, फिर टाइगर होते हैं, उनके सामने आप टाइगर की आवाज़ कोई निकालता है, कोई मंकीज है तो ऐसे ही उनके साथ मस्ती करते, तो वैसे आपको बिल्कुल नहीं करना है. ओके, डू नॉट फीड देम, आप उनको कुछ खिलाओगे नहीं. आप जब जाते हो जू पे पेरेंट्स के साथ, आपके पास कुछ लंच या नाश्ता कुछ होता है तो आपको वो एनिमल को खिलाना नहीं है. ओके, डू नॉट पुट योर हैंड और लेग इन साइड देयर केज, वो एनिमल जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे केज रखा होता है ना, केज के अंदर एनिमल्स होते हैं, तो वो केज को आपको टच नहीं करना है, आपका हैंड और लेग जो है वो केज के अंदर नहीं डालना है. ओके, तो ये तीन जो बातें हैं वो आपको खास ध्यान रखनी है जब आप जू पे जाओ तब. ओके, और सॉल्व पजल विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पजल दी गई है, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ किया है. ओके, और ऊपर उनके नेम भी दिए गए हैं, तो वो नेम हमें पजल में लिखने हैं. तो फर्स्ट जो नेम है वो है ज़िब्रा. ज़िब्रा का स्पेलिंग आएगा जेड ई, यहाँ पे मिसिंग है बी और आर, जेड ई बी आर ए, ज़िब्रा. ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग है एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट. ओके, ये है एलिफेंट का स्पेलिंग. नेक्स्ट आएगा टाइगर, टी आई जी ई आर टाइगर. फिर उसके बाद आएगा जीराफ, जी आई आर ए एफ जीराफ, डबल एफ ई जीराफ. ओके, फिर है फॉक्स, एफ ओ एक्स, और उनके बाद लास्ट है डब्ल्यू ओ एल एफ वॉल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ वॉल्फ. तो ये हमारी पजल कंप्लीट हुई. उसके बाद फोर नंबर पे है सर्कल द ऑड वन, जो ऑड फोर हमें नेम फोर वर्ड जो दिए गए उनमें से जो वन वर्ड है वो ऑड है, अलग सा है, तो उनमें हमें क्या करना है. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फोर नंबर का आंसर. ओके, तो फोर नंबर में फर्स्ट आएगा ईगल, आउल, बफेलो और पैरोट. ओके, तो ईगल है वो बर्ड है, आउल है वो भी बर्ड है, पैरोट है वो भी बर्ड है, तो बफेलो जो है वो अलग सा है, तो यहाँ पे जो बफेलो लिखा हुआ है बी यू डबल एफ ए एल ओ बफेलो, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, सर्कल करना है. ओके, मैं यहाँ पे नेम लिख रही हूँ उन पे आपको क्या करना है, सर्कल. फिर है सेकेंड नंबर फ्रॉग, कैट, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस. ओके, ये सारे इंसेक्ट है, तो वहाँ पे हम कैट जो है वहाँ पे हम सर्कल करेंगे, क्योंकि कैट अलग सी है, फ्रॉग है वो भी पानी में रहता है, क्रोकोडाइल भी पानी में रहता है और टॉर्टोइस भी पानी में रहता है, तो कैट जो है वो पानी में नहीं रहती है, इसलिए कैट पे सर्कल आएगा. फिर है थर्ड नंबर फिश, डॉल्फिन, ऑक्टोपस और स्वान. तो यहाँ पे भी स्वान जो है वो पानी में नहीं रहता, तो स्वान पे हम सर्कल करेंगे. फिर है फोर नंबर टाइगर, काउ, लायन और एलिफेंट. ओके, तो यहाँ पे काउ जो है उनमें सर्कल आएगा, क्योंकि ये टाइगर, लायन, एलिफेंट है वो सारे वाइल्ड एनिमल है. ओके, तो काउ पे हम सर्कल करेंगे. फिर है फिफ्थ में फोन एंड लॉन, वॉच द डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड दैट सीट ऑन ट्री अराउंड योर हाउस और स्कूल, लर्न देयर नेम्स. ओके, तो आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास ट्रीज होते हैं, स्कूल के आसपास ट्रीज होते हैं, वहाँ पे बर्ड बैठते हैं ना ट्री पे, ट्री के ऊपर, तो आपको ये नोटिस करना है कि ट्री के ऊपर कौन से बर्ड बैठे हैं, वो बर्ड का नाम आपको जानना है. ओके, और वो कैसे बैठते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो कुछ दाने होते हैं वो लेके आते हैं, उनका नेस्ट बनाते हैं ट्री के ऊपर. ओके, तो वो सब आपको नोटिस करना है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर फोर एनिमल्स अराउंड अस पार्ट टू की जो वर्कशीट थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर फाइव.